आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है डीप क्लिनजिंग। ठीक है, जैसे आपने बहुत दफ़ा सुना है कि हम डीप क्लीनिंग करते हैं अपने कमरे की, अपने घर की, अपने वॉशरूम की, अपने वार्डरोब की, अपने कबर्ड्स, अपने ड्रॉर्स की, अपने किचन की, अपने रेफ्रिजरेटर की, फ्रीज़र की, किसी भी चीज़ की। वो क्यों ज़रूरी होती है? वो इसलिए ज़रूरी होती है कि उसके अंदर जितना क्लटर, जितना डस्ट, जितना डर्ट और जितना वेस्ट पड़ा हुआ होता है वो सब कुछ निकल जाए और जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाए। जो हमारा टॉपिक है क्लिनजिंग, उसका मतलब भी डीप क्लीनिंग ऑफ स्किन ही है। डीप क्लीनिंग करना क्यों ज़रूरी होता है, ये देखें, ये हमारा पोर है या हमारी स्किन के ऊपर जो पोर्स हैं, ये उसकी ओपनिंग आप समझें, ये ऊपर है और ये नीचे आप देख रहे हैं, ये एक जगह नज़र आ रही है आपको, एक रास्ता नज़र आ रहा है। इसके अंदर सारे का सारा जो सीबम है, जो भी प्रोडक्ट्स आप लगाते हैं, जिसमें आपका मेकअप होता है, जिसमें आपका मॉइस्चराइज़र हो सकता है, जिसमें आपका सनब्लॉक होता है, ये सब की कंसीलर हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो आप लगाते हैं, वो सब इसी के अंदर फंसता जाता है। जब वो इसके अंदर फंसता जाता है और आप इसकी सफाई नहीं करेंगे तो आप खुद सोचें क्या होगा, आपकी स्किन जो है वो आपको पहले जैसी नहीं लगेगी, आपकी स्किन आपको हेल्दी, फ्रेश, ग्लोई, और आपको लगेगा वो डल होती जा रही है। और कोई मेकअप करके तो अच्छी लगती है, लेकिन अब तो पता नहीं मतलब स्किन को क्या होता जा रहा है कि कुछ समझ ही नहीं आती है कि आप नॉर्मली जैसी ये दिखती थी इसका टेक्स्चर ही चेंज होता जा रहा है और ये वैसी फ्रेश और हेल्दी नहीं लगती है। इसलिए इसको साफ करने के लिए बहुत ज़रूरी है डीप क्लिनजिंग। अब जो क्लिनजिंग होती है उसके लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन आपको अपनी स्किन और अपनी रूटीन के हिसाब से अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट चूज़ करना चाहिए। जैसे मैं अभी आपको कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो दिखाऊंगी और इनको जो अगर आप अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट यूज़ या सूटेबल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू योर स्किन या अकॉर्डिंग टू योर रूटीन या रिक्वायरमेंट ऑफ स्किन, तो आप देखेंगे कि आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो कि आपने फोर्सी किया हुआ है या जो आपको मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छा, क्लिनजिंग जो है क्या रोज़ कर सकते हैं, क्या दिन में दो दफ़ा कर सकते हैं, एक दफ़ा कर सकते हैं, कैसे करनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन जो है वो किस किस्म की है। अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है, बहुत ज़्यादा सीबम बनाती है, तो इसका मतलब है कि आप या बहुत ज़्यादा उस पर पसीना आता है या बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो फिर आप दो दफ़ा भी क्लिनजिंग कर सकते हैं। जैसे सुबह उठ के आप पहले क्लिनजिंग करेंगे, उसके बाद फेस वॉश करेंगे, और रात को सोने से पहले जो है वो आप पहले क्लिनजिंग करेंगे और फिर फेस वॉश करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल है या नॉर्मल टू ड्राई है, तो आप एक दफ़ा भी क्लिनजिंग कर सकते हैं। प्रेफरेबली अगर आप रात को करेंगे तो क्या होगा कि सारा दिन जो भी आपने मॉइस्चराइज़र, जो भी प्रोडक्ट, मेकअप या फिर सनब्लॉक कुछ भी आप लगाते रहे हैं, वो सब कुछ जो है जो अंदर फंसा हुआ होगा वो सारे का सारा क्लियर हो जाएगा। और एक और फ़ायदा इसका बहुत बड़ा ये होता है कि जब आप डीप क्लिनजिंग करेंगे और उसके बाद फेस वॉश करके अपनी नाइट एप्लीकेशंस लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि उनका रिजल्ट जो है वो कितना ज़्यादा और कितना अच्छा हो जाएगा, कितना बेहतर होगा, और आपकी स्किन आपको पहले से इम्प्रूव्ड मिलेगी। ठीक है, टेक्स्चर वाइज भी और कलर वाइज भी। अच्छा, अब इसको पहले करते हैं फेस वॉश से या बाद में करते हैं? क्लिनजिंग जो होती है वो आपने फेस वॉश करने से पहले करनी होती है। ठीक है, और आपको मैंने बता दिया कि किसी भी तरह की स्किन टाइप हो, क्लिनजिंग इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया कि अगर आप घर में क्लिनजिंग करेंगे तो फिर आपने किस तरह से करनी है। मैं आपको कुछ क्लिनजिंग के प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ, ये देखें, ये नॉर्मल टू ड्राई या एजड या मेच्योर स्किन के लिए क्लिनजिंग क्ले है। ठीक है, यूज़ करने का तरीका क्या होता है कि आपने हल्का सा स्किन को डैम्प कर लिया, यानी कि गीला नहीं करना पूरा बट हल्का सा नम कर लिया, और उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी क्लिनजिंग का जो भी मटेरियल है वो लिया, और जैसे आप स्क्रब करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपने क्लिनजिंग कर लेनी है। अच्छा, क्लिनजिंग जो है वो आप 10 सेकंड्स करें, 10 सेकंड्स से ज़्यादा मत करें, 10 सेकंड्स भी कर सकते हैं, और जो रोज़ कर रहा होता है उसका इतना क्लटर ही नहीं होता, वो अंडर 10 सेकंड्स भी कर सकता है। ठीक है, एक मैंने आपको ये दिखाई है। अब अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, या डेली आपने मेकअप वेयर करना है और उसके अलावा ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बहुत बन जाते हैं, तो फिर या फिर एक्नी है, तो फिर आप ये वाली क्लिनजिंग क्ले जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको भी मैंने आपको बताया, आप एक दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं दिन में क्लिनजिंग को, और आप दो दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक मैंने आपको ये दिखा दी है।
अच्छा, उसके बाद मैं आपको ये डिटॉक्सिफाइंग और डीप क्लिंजिंग मास्क दिखा रही हूँ, ठीक है। इट्स ए शीट मास्क, जैसे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे जो है ये शीट बनी हुई नजर आ रही है, ये इस तरह का मास्क है, ठीक है। इसको जो है वो आप वीक में एक दफा यूज कर सकते हैं। जब आप इसको वीक में एक दफा यूज करेंगे तो ये सारे का सारा क्लटर, सारे का सारा डर्ट, जितना एक्स्ट्रा सीबम है, जो कुछ फंसा हुआ था, कोई कैरेटिन फंसी हुई थी आपके इसके अंदर, सब जो है वो निकाल लेगा। इवन ब्लैक हेड्स को भी रिमूव करने में हेल्पफुल है। कभी भी दबा दबा के आपने ब्लैक हेड्स नहीं निकालने, ठीक है। अच्छा, क्लिंजिंग का एक और जो प्रोसीजर है या एक और अच्छा तरीका है वो ये होता है कि यू ऑल्सो नीड टू एक्सफोलिएट योर स्किन, क्योंकि अगर आप स्किन को एक्सफोलिएट करके डेड स्किन नहीं हटाते तो उससे प्रॉब्लम या इशू ये आता है कि फिर आपकी क्लिंजिंग जो है वो उतनी अच्छे तरीके से नहीं हो सकती है, क्योंकि डेड स्किन या डेड सेल्स बहुत पड़े हुए होते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, लेकिन एक्सफोलिएशन के लिए जो है वो मैं आपको पील्स दिखा रही हूँ, जो आप महीने में दो दफ़ा यानी कि 15 डेज के गैप से कर सकते हैं। ये देखें, ये जो है ये ग्लाइकोलिक एसिड की पील है और इसके अंदर 10% ग्लाइकोलिक एसिड है। इसको 10 सेकेंड से ज़्यादा यूज़ नहीं करना, हल्का सा नम कर लेंगे आप स्किन को और उसके बाद जो है वो इसको आप बिल्कुल जैसे आप यूज़ करते हैं ना कोई सा भी स्क्रब, उसी तरह से आपने 10 सेकेंड्स के लिए यूज़ करना है और फिर उतार देना है। इसको आपने छोड़ना नहीं है स्किन के ऊपर, ठीक है। अब जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ ये भी AHA के साथ है, ये वाली पील भी, लेकिन इसमें 8% पील है। जो मैंने पहले दिखाई है वो 10% है। स्किन के हिसाब से अगर स्किन थिक है, बहुत ज़्यादा ऑयली है, पसीना भी आता है, एक्नी प्रोन है, तो फिर आप ये वाली कर सकते हैं। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है या मैच्योर स्किन है या नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो फिर आप ये कर सकते हैं, तरीका जो है वो सेम रहेगा। अच्छा, अभी देखें, अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है या हमें पता होना चाहिए कि पहले क्या करते हैं। सबसे पहले क्लिंजिंग, उसके बाद फेस वॉश, उसके बाद आपने एक्सफोलिएट करना है, फिर आपने मास्क लगाना है एंड देन यू आर गोइंग टू यूज योर टोनर, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ। पहले आपने क्लिंजिंग करनी है, फिर आपने जो है वो फेस वॉश करना है, फिर एक्सफोलिएट करना है, उसके बाद आप मास्क यूज़ कर सकते हैं और फिर आपने टोनर लगाना है। जब आप मास्क को उतारेंगे तो फिर टोनर ज़रूर लगाएं, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये मैं आपको इस तरह का टोनर दिखा रही हूँ जो जिसके अंदर 3 तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि ये आपका मेकअप रिमूवर की तरह भी काम करेगा और उसके अलावा जो है ये एज ए टोनर भी काम करता है। तो आप इसको फेस वॉश करने से पहले मेकअप उतारने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और फेस वॉश करने के बाद एज ए टोनर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑल स्किन टाइप्स है, लेकिन अगर किसी की स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है या ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और पिंपल्स बनते हैं तो फिर आपने ये वाला टोनर करना है। इसके अंदर मेकअप रिमूवर नहीं है, इट्स ए फुल या कंप्लीट टोनर, ये सोल टोनर है। इसका मतलब है कि ये हमेशा आप फेस वॉश करने के बाद यूज़ करेंगे, ठीक है। उसी तरह से मैं एक और आपको टोनर दिखा रही हूँ, ये कॉम्बिनेशन स्किन या सेंसिटिव स्किन के लिए है। इसके अंदर भी जो है वो आप वो नहीं करते, मतलब क्या कहते हैं, इसमें भी आपने ये एज ए मेकअप रिमूवर इसको नहीं यूज़ करेंगे, ये भी आपका जो है वो सोल क्या कहते हैं टोनर है, इसको आप फेस वॉश करने के बाद यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो स्किन है उसकी सफाई इसलिए बहुत ज़रूरी होती है कि अगर आप उसे साफ़ नहीं रखेंगे तो वो भी साफ़ नहीं रहेगी और जब साफ़ नहीं रहेगी तो आपको कभी भी फ्रेश और हेल्दी और अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। अच्छा, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस या बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई ये क्या मतलब सिर्फ आप बाज़ार से ही ख़रीद के क्लिंजिंग कर सकते हैं, क्या आप घर में क्लिंजिंग नहीं कर सकते। देखिए, आप घर में क्लिंजिंग तो कर सकते हैं, लेकिन जो किचन से आप प्रोडक्ट्स लेंगे या घर में से जो आप प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे वो जो है वो अनकंट्रोल्ड फॉर्म में होता है। अनकंट्रोल्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि हमें नहीं पता होता कि उसके अंदर कितनी कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी इंग्रेडिएंट की। वो भी आपको बर्न कर सकता है, वो भी आपको इरिटेशन दे सकता है और वो भी आपकी स्किन के ऊपर किसी भी किस्म की एलर्जी दे सकता है। इसलिए प्रेफरेबली ये ज़्यादा बेहतर है कि आप जो हैं वो कोई जो रेडी प्रोडक्ट है, जो कि रेडी मेड प्रोडक्ट है, जो कि अवेलेबल होता है, आप उसी को यूज़ करें रादर देन यूजिंग आपके किचन प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये ज़्यादा सेफ रहेगा। अब हम आ जाते हैं कि आप अपनी रूटीन में जो है वो क्लिंजिंग करते हैं और आप सारा ख्याल रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और फिर भी आपको लग रहा है कि इतनी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि मेरी स्किन जो है ना उसकी टोन, उसका टेक्स्चर वो अच्छा नहीं है, वो अभी भी रफ़ लगती है
और अभी भी फ्रेश नहीं लगती है या उसका टोन या उसकी अनइवन टोन जो है वो ठीक नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आपने जो क्लिंजिंग है वो क्लिनिक में आके करानी है। जब आप क्लिनिक में आके क्लिंजिंग करवाएंगे तो आप देखें अगर आपके जो खुद से यूज़ करने वाली चीज़ों का जो रिज़ल्ट है उससे कहीं ज़्यादा रिज़ल्ट आपको मिल सकेगा जब आप जो है वो क्लिनिक में आके एज ए प्रोसीजर उसको करवाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट तरह के इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू जो है वो हम क्लिंजिंग करते हैं और इसका कोई नुकसान नहीं है। और इसको क्लिंजिंग करने के साथ साथ हम ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर देते हैं स्किन के अंदर, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपका पोर साफ हो जाता है, आपकी स्किन की डेड लेयर उतर जाती है, बट उसके साथ साथ क्योंकि स्किन को ऑक्सीजन मिलती है तो स्किन एकदम से जो है वो फ्रेश, हेल्दी और ग्लोई हो जाती है। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करना था या आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। होपफुली आपकी गलतियां आपको समझ आ जाएंगी। देखिए ऐसा होता है कि हमारे पास सारे के सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए होते हैं या हम उसको यूज़ भी कर रहे होते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता और हम कोई ना कोई गलती कर रहे होते हैं जिससे हमारी स्किन पे हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते जो कि मिलने होते हैं। ठीक है जी,